हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रियासत अली और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक पे। तो पहला जो होगा वो आरसी प्लेन का विंग होगा और दूसरा जो होगा वो एएससी पे होगा। तो ये दोनों टॉपिक काफी मोस्ट है ओनर के लिए। नए नए आरसी प्लेन बनाने उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है एएससी को लेकर और विंग को लेकर, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा विंग यूज करे। तो मोस्टली जो हमारा विंग जो यूज होता है वो चार प्रकार का विंग यूज होता है, जैसे कि सेमी सिमेट्रिकल एयरफॉइल, सिमेट्रिकल एयरफॉइल, फ्लैट बटन एयरफॉइल, अंडर कैम्बर एयरफॉइल। तो ये चार तरह का मोस्टली जो होता है ज्यादा यूज होता है। इसमें से सबसे बेस्ट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने तीन विंग को यूज किया अभी तक, जैसे कि ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल एयरफॉइल, ये हो गया हमारा फ्लैट बटन एयरफॉइल, ये हो गया हमारा अंडर कैम्बर एयरफॉइल। तो ये तीन तरह का विंग मैंने यूज किया है और तीनों का ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो इसके बारे में पूरे अच्छे से मैं बताने वाला हूँ और अगर आप पहली बार आरसी प्लेन बना रहे हैं तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए काफी बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एयरफॉइल के बारे में। तो ये जो एयरफॉइल होता है ये काफी हाई स्पीड प्लेन के लिए होता है, 3D प्लेन के लिए होता है। इससे आप जब तक हमारा जो मोटर है वो थ्रस्ट बनाएगा तभी तक ये फ्लाई करेगा। अगर थ्रस्ट नहीं बना रहा हमारा मोटर, अगर हमने थ्रॉटल को 0% पे कर दिया है तो हमारा प्लेन जो है वो ग्लाइड भी सही से नहीं कर पाएगा। हमारा इंजन जब तक थ्रस्ट बनाता है तभी तक हमारे प्लेन में लिफ्ट जनरेट होता है। तो अब दूसरे विंग की बात करूँ, फ्लैट बॉटम एयरफॉइल के बारे में बात करूँ, तो ये मोस्टली काफ़ी यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यही यूज़ होता है लगभग हर एक प्लेन में, क्योंकि ये जो होता है इसमें पेलोड भी काफ़ी अच्छा होता है, हाई स्पीड भी काफ़ी अच्छा होता है और स्टैंड भी इसमें काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया है बहुत सारे प्लेन में, आप देख सकते हैं मेरा F-22 में भी बहुत सारे प्लेन में मैंने इसे ही यूज़ किया है। और मोस्टली मैंने अभी जो है वो MiG-21 में इसे यूज़ किया था। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि MiG-21 का फ्लाई स्टेबल नहीं है। तो फ्लाई इसलिए स्टेबल नहीं हो रहा था क्योंकि जब तक वो हाई स्पीड में फ्लाई कर रहा था तब तक बहुत ही अच्छा स्टेबल फ्लाई हो रहा था, और जब वो लो स्पीड में हो रहा था तो हमारा स्टेबल फ्लाइट नहीं हो रहा था। तो ये दोनों हमने बता दिया। अब ये तो ये एयरफॉइल जो होता है ये लो स्पीड प्लेन के लिए होता है और इसे हम मोस्टली यूज करते हैं लो स्पीड के लिए। जैसे कि हमारे पास अगर BLDC मोटर नहीं है तो हम DC मोटर भी यूज करके इससे प्लेन बना सकते हैं और ये काफ़ी लो स्पीड फ्लाई करेगा और इसमें पेलोड भी जो है वो काफ़ी अच्छा लेकर के फ्लाई कर सकता है अगर BLDC मोटर आप यूज़ करते हैं तो। तो और सेमी सिमेट्रिकल एयरफॉइल मैंने यूज़ नहीं किया है इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर सबसे फर्स्ट टाइम अगर प्लेन बना रहे तो आप ये फॉइल यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइम अगर आप प्लेन बना रहे हैं तो अगर आपको जैसे थोड़ा फ्लाई करना आ गया है तो अगर उस वक्त आप प्लेन बना रहे हैं तो आप इस एयरफॉइल को यूज कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए हैं तब आप सिमेट्रिकल एयरफॉइल यूज कर सकते हैं, और जब फुल्ली पूरा एक्सपीरियंस हो गए हैं तब आप सिमेट्रिकल एयरफॉइल यूज करके फ्लाई कर सकते हैं। ये हमारा जो चार मोस्टली यूज होने वाला था एयरफॉइल, तो ये था ये चारों। अब मैं बात करता हूँ ESC को लेकर। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 300-350 रुपए में येलो वाला, रेड वाला जो सीमोन का ESC आता है वो काफी बेस्ट होता है, बहुत सारे लोग उसे यूज भी करते हैं। तो मैं उस ESC को यूज नहीं करता हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया था और मैं बता दूं कम से कम अभी मेरे पास खराब ESC कम से कम 40-50 ESC होगा जो कि खराब होगा, सीमोन का और येलो वाला ESC, क्योंकि मैं अब वो उस ESC को यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम हम प्लेन फ्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्लेन क्रेश होता ही होता है, और क्या होता है कि हमें थ्रॉटल जो दिया हुआ रहता है वो 100% में दिया हुआ रहता है और हमारा प्लेन जो है वो क्रेश हो जाता है, और फिर क्या होता है हमारा जो प्रोपेलर होता है वो कहीं टच हो जाता है। अगर ज़मीन पे क्रेश करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोपेलर जो है वो टच होगा और मोटर जो है वो अचानक रुक जाता है। मोटर अचानक रुकने के कारण क्या होता है कि जितना एम्पियर मोटर को लेना था उससे वो डबल तिबल एम्पियर ले लेता है और हमारा ESC इस तरह से वो भ्रष्ट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को एक सिंपल, जैसे कि ये हो गया समझ लीजिए आपका ड्रोन, ठीक है, ये एक आर्म है। तो हमारे ड्रोन में जो ESC यूज होता है, नॉर्मली लोग यूज करते हैं ESC 30 एम्पियर का, येलो वाला, रेड वाला, तो वो क्या करते हैं ड्रोन में यूज करते हैं। ड्रोन में उसका लाइफ है, लाइफ इसलिए है मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है
क्योंकि हमारा एसी जो होता है यहाँ पे यूज होता है, आप देख सकते हैं ये आर्म में यहाँ पे लगता है। और फिर क्या होता है, हमारा मोटर जो है इस तरह से रोटेट होता है, जितना भी हवा का जो प्रेशर होता है सारा एसी में लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल सामान हो, कोई भी हो, अगर वो हीट नहीं होगा तो वो खराब भी नहीं होगा। बट हमारे प्लेन में इस तरह नहीं होता। हमारे प्लेन में क्या होता है कि हम अपने एसी को कहीं अंदर में लगा देते, प्रोपेलर के पास लगाने का सही से सुविधा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमारा एसी क्या होता है कि वो खराब हो जाता है। सबसे पहली बात तो हमारा एसी रेगुलर, वो धीरे धीरे हीट होता है। जब धीरे धीरे हीट होता है तो वो बहुत ज्यादा हीट होने लगता है। मैंने खुद भी देखा है, मैं 30 एम्पेयर का एक एसी यूज कर रहा था जो कि अंदर में था, 30 एम्पेयर सॉरी 40 एम्पेयर का एसी था, वो अंदर में लगा हुआ था, और मेरा मोटर जो बीएलडीसी मोटर था वो 30 एम्पेयर ले रहा था, 40 एम्पेयर का एसी लगा हुआ था। बट मैं 2-3 मिनट फ्लाई करने के बाद अपने प्लेन को लैंड करवा रहा था, तो जब मैं एसी छू रहा था तो इतना ज्यादा हीट हो जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना हीट क्यों हो रहा है। मैंने काफी उसके बारे में सोचा, तब मुझे समझ में आया कि होता यूं है कि हमारे ड्रोन में यूज जो यूज होता है तो वो डायरेक्ट हवा जो हवा का जो प्रेशर है वो एसी में लगता है, एसी को हीट नहीं होने देता। बट क्या होता है कि हमारे प्लेन में इस तरह नहीं होता है। वैसे मैं कोशिश करता हूं अब कि हमारे प्लेन में जो एसी यूज हो तो वो मोटर के आसपास ही कहीं पे हो, ताकि जो एयर हो, एयर जो प्रेशर हो, हवा का जो प्रेशर हो वो एसी में लगे, और एसी में लग के जो वो एसी को कूल रखे, मतलब ठंडा रखे। तो मैं अपने एसी में अगर मान मैं अपने एसी में अगर मान लीजिए मेरा मोटर 10 से 12 एम्पियर भी खा रहा है या 15 एम्पियर भी ले रहा है, तो मैं अपने एसी में 40 एम्पियर का एसी यूज करता, मैं अपना एसी जो है वो 40 एम्पियर का यूज करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमारा मोटर अगर 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 12 एम्पियर जितना भी खा रहा हो तो भी मैं अपनी एसी जो है वो 40 एम्पियर का एसी यूज करता हूँ, क्योंकि बेहतर है कि 300-300 रुपया लगाने से बेहतर है कि एक बार मैं 1,000 रुपये लगा के अच्छा वाला एसी खरीद लूँ, ताकि हमारा जो है खराब ना हो और बार बार पैसा वेस्ट ना हो। क्योंकि 300-300 रुपया करके अगर 4-5 बार खराब हो गया तो हमारा उससे डबल पैसा खर्च हो गया। और मैं अगर मान लीजिए हमारा मोटर 35 एम्पियर, 40 एम्पियर या 45 एम्पियर लेता है, तब मैं वहाँ पे 80 एम्पियर का ये एसी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बार बार खराब होने से अच्छा है कि एक बार मैं बेहतर अच्छा ये एसी खरीद लूँ। तो ये था कुछ अच्छा जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।